गाइस, इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में मच्छर की तरह मतलब फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। हर महीने 4 से 5 फोन्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं। ऐसे में सवाल सभी के दिमाग में आना लाजमी है कि कौन सा फोन ज्यादा बढ़िया है और किस फोन पर आपको अपने पैसे खर्च करने चाहिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रियलमी X7 और पोको X3 प्रो के बीच में कंपेरिजन। दोनों ही फोन्स काफी अच्छे फोन्स हैं, दोनों ही अलग अलग ब्रांड से हैं, लेकिन एक और डिफरेंस है। रियलमी X7 आपको 5G ऑफर करता है जबकि पोको X3 प्रो आपको 4G ऑफर करता है। तो सवाल यही है, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे। तो शुरू करते हैं दोनों ही फोन्स के बीच में कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा बेहतर रहेगा अगर आप गेमिंग करते हो या फिर आप कैमरा लवर हो। तो दोनों ही चीजों को हम काफी तगड़े से कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल से। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। जहाँ तक सवाल है दोनों ही फोन्स के डिजाइन का, तो रियल में X7 काफी कुछ इंस्पायर्ड लगता है वीवो के डिजाइन से। यहीं पर पोको X3 प्रो में भी आपको पुराना ही डिजाइन देखने को मिल जाता है पोको X3 जैसा, लेकिन दोनों ही फोन्स में आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो थिकनेस रियल में X7 का थोड़ा सा कम है, यानी कि पतला फोन है। 8.1 mm की थिकनेस है और वेट है इसका 176 grams, जबकि पोको X3 में आपको मिलता है 9.4 mm थिकनेस और इसका वेट मिलता है आपको 212 grams। IP53 की रेटिंग भी मिलती है आपको पोको X3 में, यानी कि हल्का फुल्का छींटे बारिश की ये झेल जाएगा, पानी की झेल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें देखने को मिलता है और आपको इसमें डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, जबकि रियल में X7 में आपको IP53 की रेटिंग नहीं मिलती है, यानी कि आप मतलब देख सकते हो हल्की फुल्की चीटों पर भी ये असर दिखाएगा अपना। यहाँ पर आपको रियलमी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। बाकी अगर मैं दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा, साइज में भी मिलेगा और क्वालिटी में भी। सबसे पहले मैं साइज की बात करता हूँ रियलमी X7 की। इसकी साइज है 6.43 inches और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दोनों ही फोन्स में मिलता है, जबकि आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिलती है पोको X3 प्रो में 6.67 इंचेस की। फुल HD प्लस दोनों ही फोन्स में रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पर रियलमी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है, जबकि पोको X3 प्रो आपको IPS डिस्प्ले ऑफर करता है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट में भी काफी डिफरेंस है। तो रियलमी X7 में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, बाकी आप देख ही सकते हो 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जबकि पोको X3 प्रो में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। HDR10 भी आपको देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर स्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है पोको X3 प्रो में, और रियलमी X7 में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के मामले में पोको X3 प्रो ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग के मामले में आपको काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल जाएगा स्क्रीन क्वालिटी में पोको X3 प्रो में। बाकी अगर मैं और चीजों की बात करूँ तो दोनों ही फोन्स में आपको 6GB 128GB वेरियंट मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग लगभग 18 से 19 हज़ार के आसपास मिल जाएगी दोनों ही फोन्स की। एक चीज और भी आपको देखनी चाहिए, जो बैटरीज है दोनों ही फोन्स में। सबसे पहले मैं अगर पोको X3 प्रो की बात करूं तो इसमें आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें आपको 33W का चार्जर मिल जाता है, जबकि रियलमी X7 में आपको यहां पर 4310 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में आपको 50W का चार्जर भी मिलता है। एक चीज और भी आपको ध्यान देनी चाहिए, पोको X3 प्रो में आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, जबकि रियलमी X7 में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यानी कि रीडिंग और राइटिंग स्पीड जो मेमोरी की होती है उसमें आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि वो सेकंड जनरेशन का आपको रियलमी में मिल रहा है, जबकि पोको में आपको थर्ड जनरेशन का ये चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस काफी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी 4G और 5G में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात नहीं कर
करने वाला आपको मालूम है। यहाँ पर अगर मैं दोनों ही फोन्स में एंड्रॉइड वर्जन्स की बात करूँ यानी कि सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो रियलमी X7 में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है जो कि अपडेट हो जाएगा एंड्रॉइड 11 में, और यहाँ पर रियलमी UI 1.0 मिलता है और इसमें आपको डिमेंसिटी 800U मिलता है मीडियाटेक की तरफ से जो कि एक 5G चिपसेट है। चिपसेट के कंपेयर भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा तो वीडियो को देखते रहिए। पोको X3 प्रो में आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है जैसे ही आप फोन को अनबॉक्स करते हो, इसमें आपको MIUI 12 मिलता है और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिलता है जिसको कि आपको जरूर देखना चाहिए। ये जो प्रोसेसर है ये 25,000 से 30,000 के फोन्स के बराबर आपको परफॉर्मेंस दे देगा, मेरे ख्याल से आपको उससे बढ़िया भी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हो या फिर आप अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको पोको X3 प्रो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा नो डाउट। यहाँ पर अगर मैं कैमरा की बात करूँ दोनों ही फोन्स की तो रियलमी X7 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल इसमें प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है और 8 और 2 मेगापिक्सल के इसमें बाकी के कैमरे लगाए गए हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें कि सोनी IMX471 सेंसर भी लगा हुआ है, और जो सेल्फी कैमरा नहीं जो मेन कैमरा है फ्रंट कैमरा है इसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है। अब अगर मैं पोको X3 के कैमरा की बात करूं तो यहां पर आपको 4 कैमरा मिलते हैं, प्राइमरी इसमें 48 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, अपर्चर है 1.79 का, यहां पर 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाते हैं जो कि यूजलेस ही होते हैं। यहां पर सेल्फी के लिए आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं कैमरा की बात करूं तो कैमरा के मामले में डेफिनेटली नंबर्स ज्यादा हैं रियलमी X7 की, लेकिन मुझे स्पेशली अगर मैं बात करूं जहां तक मैंने जितने भी रियलमी के फोन्स यूज किए हैं और पोको के फोन्स यूज किए हैं तो जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो मुझे पोको की यानी कि रेडमी के फोन्स के ज्यादा अच्छी लगी। बाकी अब आप अपना देख सकते हो सेल्फी के मामले में डेफिनेटली पोको X3 प्रो विनर रहेगा। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको अगर आप 18,000 से 19,000 रुपए लगा रहे हो तो आपको इनमें से कौन सा फोन लेना चाहिए, पोको X3 प्रो या फिर रियलमी X7। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको डेफिनेटली पोको X3 प्रो ही लेना चाहिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको ये फोन दे देगा जितना कि इस रेंज में कोई भी फोन नहीं देगा। बाकी अगर आप 5G फोन चाहते हो तो आप रियलमी X7 भी ले सकते हो, वो आपका अपना डिसीजन होगा। बाकी अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली पोको X3 प्रो विनर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से रोज कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलिएगा।